तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार अपने चैनल और अपने पेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर फिल्म अमानत का एक गीत रफी साहब का गाया हुआ बहुत ज्यादा चर्चा में है, वायरल हुआ हुआ है और इस गीत के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमृतसर के रफी के दीवाने राजेश भगत जी का गाया हुआ गीत जो पिछले दिनों हम लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। तो इसके ऊपर लोगों के अंदर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये गीत ओरिजिनली अमानत फिल्म का ये गीत रफी साहब का गाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में ये गीत राजेश भगत जी का गाया हुआ है और लोगों का कहना है कि ये राजेश भगत जी का गीत नहीं है, ये सिर्फ फ्लिप मोमेंट दे रहे हैं, ओरिजिनली ये रफी साहब का गाया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि किशोर कुमार, रफी साहब, मुकेश माथुर और तलत महमूद और हेमंत कुमार साहब, महेंद्र कपूर साहब, ये जो लेजेंड हैं ये दुनिया में एक ही पैदा हुए हैं और उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, लेकिन इनको करीब करीब गाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं। तो शायद ये लोगों का कहना है कि ये राजेश भगत जी रफी साहब को काफी करीब गाते हैं, मतलब कि उनको कॉपी तो कोई भी नहीं कर सकता, रफी साहब जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन इनका जो अपना अंदाज है वो एक रफी साहब के साथ मिलता जुलता है और काफी करीब गाते हैं। तो पहले आप ये गीत सुनिए। देखा दोस्तों आपने, इस गीत को लेकर ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये गीत राजेश भगत जी सिर्फ लिप मूवमेंट कर रहे हैं, ओरिजिनली ये रफी साहब का ही गाया हुआ गीत है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हम फिर से यह पूरा गीत यहां पे शेयर कर रहे हैं, तो इस गीत को आप भी सुनिए और सुनकर अपने विचार दीजिए। और अगर आपको भी लगता है ये गीत राजेश भगत जी का नहीं गाया हुआ, सिर्फ लिप मूवमेंट दे रहे हैं, तो इनका जो चैनल है राजेश भगत जी का रफी के दीवाने पेज और इनका आईडी फेसबुक आईडी और राजेश भगत के नाम से इनका फेसबुक आईडी है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए और इनके दूसरे गीतों को भी सुनिए। और दूर रह कर ना करो बात, ये गीत तो अक्सर ये गाते ही रहते हैं, तो इस गीत को भी आप सुनिए और अगर आपको भी लगता है और अपने विचार हम लोगों तक जरूर पहुंचाए कि ये वाकई ओरिजिनली राजेश भगत जी का गाया गीत है कि रफी साहब का गीत है। तो दोस्तों अक्सर लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आए हैं, भई ये रफी साहब का नहीं गाया, कई लोगों ने गलत तरह के कमेंट्स भी दिए हैं, पर सभी से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिली है। क्यों? जो लोग गलत कमेंट दे रहे हैं वो रफी साहब के वाकई में एक पागलपन की हद तक उनको प्यार करते हैं और उनको ये लगता है कि ये गीत राजेश भगत जी का नहीं गाया हुआ, लेकिन दोस्तों हकीकत में यह गाना राजेश भगत जी का ही गाया हुआ है। और आप भी अगर राजेश भगत जी को सुनेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आप भी उनसे इसी तरीके से उनकी आवाज से प्यार करने लगेंगे, उनके अंदाज से प्यार करने लगेंगे। ये गीत सुनिए। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न
आज बस में नहीं जज्बात करे बाजा, आज बस में नहीं जज्बात करे बाजा, दूर रह कर ना करो बात करे बाजा। भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात करे बाजा, जान ले साथ करे बाजा, दूर रह कर ना करो बात करे बाजा। झकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करे बाजा, जिंदगी भर का है अब साथ करे बाजा, याद रह जाएगी ये रात करे बाजा, दूर रह कर ना करो बात करे बाजा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, अगले वीडियो में फिर से एक नए विषय के साथ एक नई चर्चा के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे विद अस।